हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं योरोन गार्डनिंग चैनल प्लांट्स हब, और आज हम बात करेंगे अपनी विंटर गार्डन शॉपिंग पे। तो देखिए, आप सब देख सकते हैं मैंने ये कुछ पौधे ख़रीदे हैं विंटर के। तो आज मैं आपको ये अपने पौधे दिखाऊंगा और साथ ही साथ इनके रेट्स भी शेयर करूँगा, मैंने इनको किस रेट पर ख़रीदा है और कहाँ से ख़रीदा है। तो आप जान सकते हैं कि आपको पता ही होगा कि आज नवंबर की 2 तारीख है, और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इन दिनों नवंबर में सभी नर्सरियों में विंटर के प्लांट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमने भी कुछ प्लांट्स नर्सरी से परचेज़ करी हैं, तो देख सकते हैं आप। अभी मैंने ज़्यादा प्लांट्स परचेज़ नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा उनके पास अभी वैरायटी है नहीं, तो खिले हुए फूल भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने कुछ प्लांट्स ही परचेज़ करे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और दिखाते हैं आपको अपने जो विंटर के कुछ प्लांट्स। सबसे पहले बात करते हैं इस डायंथस की। डायंथस बहुत ही खूबसूरत विंटर में खिलने वाला एक फ्लावर है, और पूरी अप्रैल मई तक बना भी रहता है, और अगर आप चाहें तो इनको समर्स में भी आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आप इसको छाई में रख देंगे तो ये समर में भी आपका चल जाएगा। तो ये मुझे मिला है सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपीज़ का। और इसके साथ ये जो गमला देख रहे हैं, ये गमले मैंने 3 खरीदे थे जिनमें मैंने कल इनको पेंट करा और इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। ये गमले मेरे को 20-20 रुपीज़ ईच पड़े हैं, 6 इंच का गमला है। ये देखिए, ये वर्बीना प्लांट है, और कितने अच्छे शेड आती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं नर्सरीज़ में, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हार्डी प्लांट है। इन सभी को आप फुल डे सनलाइट में रखें। ये देखिए कितनी प्यारी शेड है, और ये भी मुझे मिला है सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपीज़ का। ये मेरे एक जरबेरा का प्लांट है, इसमें देखिए बड भी आपको शायद दिख रही हो, ये बड भी है, ये देखिए एक। तो ये मुझे मिला है जरबेरा, इस ब्लैक कलर के पॉट में लगा हुआ था। ये जरबेरा मेरे को बताया तो 160 का था, पर उन्होंने मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ ये 120 का दिया है। और इस जरबेरा के अंदर से एक प्लांट निकल रहा था ये, तो मैंने इसको अलग कर दिया है। ये भी शॉक में है थोड़ा, ये रिकवर हो जाएगा। तो एक ये मैंने हिबिस्कस का प्लांट लिया है, ये लगा ही हुआ था इसके अंदर, इसके फूल नहीं खिले हुए थे पर बड्स आ रही हैं, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 120 का मिला है, और अच्छा प्लांट है, हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है। ये मैंने कुछ पिटूनियाज परचेस करे हैं, ये 6 पिटूनियाज हैं, सॉरी 5 पिटूनियाज हैं ये, और 2 तो खिले हुए थे, एक ये स्टार वाला है और एक ये रेड कलर का। ये रेड कलर का पिटूनिया मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़े जाइंट साइज़ के होते हैं। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा हो, और ये स्टार पिटूनिया है। ये स्टार पिटूनिया और ये सब जो है ये मुझे 20-20 रुपीज़ के मिले हैं, क्योंकि ये वाले जो प्लांट है पिटूनिया के, ये मैंने अलग नर्सरी से ख़रीदे हैं क्योंकि उनके पास पिटूनिया के प्लांट नहीं थे। और ये मैंने ख़रीदा है एक बिगोनिया, बिगोनिया मुझे इसमें लगा हुआ मिला है, थोड़ा छोटा है पर इसमें एक फ्लावर ये देखिए आ रहा है। ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ का, और बिगोनिया की जो लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, वो भी बहुत कलरफुल होती हैं, ऐसा लगता है जैसे यही फ्लावर हो इसके। तो ये देखिए मेरी एक छोटी सी शॉपिंग थी जो कि आप कर सकते हैं अभी भी, आप सभी के लोकल नर्सरीज़ में विज़िट करें और नर्सरीज से अपने फेवरेट प्लांट्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये टाइम है फ्रेंड्स इनको लगाने का, अब टाइम आ गया है, आप इनको रेडी प्लांट्स भी ख़रीद सकते हैं, और चाहे तो विंटर में आप सीडलिंग्स भी ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीडलिंग्स, ये देखिए ये सीडलिंग्स भी आप इस तरीके की ख़रीद सकते हैं, और ला के इन छोटे से कप्स के अंदर, ये जो होते हैं डिस्पोजल कप्स, इनमें लगा सकते हैं। ये सीडलिंग्स अभी नर्सरीज़ में अवेलेबल हैं, सिर्फ 8-10 रुपीज़ तक की मिलती हैं। ये पिटूनिया की सीडलिंग है, मैंने ये सीडलिंग्स रेडी करी हुई हैं, अभी 15-20 दिन में ये ट्रांसप्लांट के कैपेबल हो जाएंगे और हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो मैंने आपको सारे रेट्स बता दिए हैं, ये मैंने ट्रांसप्लांट किया है, देखिए शायद ये सर्वाइव कर जाए, और इसका भी कलर अगर खिलेगा तो इसकी भी मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स ये देखिए हिबिस्कस है, और ये गुलदाउदी है मेरे,
कितने अच्छे लग रहे हैं। इनमें बर्ड्स भी आ गई हैं फ्रेंड्स गुलदाउदी में, ये देखिए आप, इस वाले गुलदाउदी में तो आ ही गई, शायद आपको दिख रही हो, ये बर्ड्स ज़रूर इसमें सब में आ गई हैं। और एक कैलेंडुला के प्लांट जो ये देखिए आपको दिख रहे हो, ये कैलेंडुला के प्लांट, ये सीडलिंग्स ही मैंने परचेज करी थी जो कि अब काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और इनके अंदर अब फ्लावर भी आने वाले हैं। तो आप सब खरीद सकते हैं अपनी लोकल नर्सरीज में विज़िट करके। देखिए कितनी सुंदर सुंदर इन विंटर के प्लांट्स की शेड आती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगती है, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आप डेली